ठीक है, देखिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हैंड ओवर टेक्निक्स की। तो हैंड ओवर होता क्या है? अपन ने अभी तक देखा था कि एक टावर से दूसरे टावर में जब अपन जाते हैं, अपनी सेल सिंगल सेट डज नॉट कवर द होल सर्विस एरिया, तो स्मॉलर द सेल साइज फास्टर द मूवमेंट ऑफ मोबाइल स्टेशन बट मोर हैंड ओवर्स। क्या होते हैं, हमने ये प्रीवियस डायग्राम्स में देखे थे ये वाले। ये देखिए, ये सेल साइज बने हुए हैं, एक ये सेल का साइज बनाया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो क्या होता था कि एक टावर पूरे होल एरिया को कवर नहीं कर सकता था, तो इसने क्या करा कि छोटे छोटे सेल्स बना के उस एरिया को अलग अलग टावर्स के हेल्प से हमने कवर करवा दिया। अब जितने ज्यादा सेल्स बनेंगे उतने ज्यादा कनेक्टिंग गेटवेज बनेंगे, उतने ज्यादा कनेक्टिंग गेटवेज बनेंगे तो उतने ज्यादा स्विचिंग होगा एक एंड से दूसरे एंड में कनेक्ट होने का, ताकि उससे फायदा ये हो जाएगा हमें कि उसकी हेल्प से है ना हम मोर ज्यादा कवरेज रहेगा, हमारे सिग्नल्स ड्रॉप कम होंगे और सारी चीजें होंगी। तो ये हमारी हैंडओवर टेक्निक्स के ऊपर आ जाता है। ये डायग्राम बना हुआ था, पहले भी अपन ने बनाया हुआ है, शीट मैंने शेयर करी हुई है, तो हम ये देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या देखना है इसके चीजों में, टू रीजंस टू यूज हैंड ओवर, मेंटेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेड्यूलिंग टू रिसीव एंड लोड बैलेंसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग होता क्या है? क्या होता है कि अगर हम एक टावर के बाद में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को कनेक्ट कर दें। अच्छा, आप लोग जस्ट रिसेंटली आप लोगों ने मेला घुमा है भोपाल में? कितने लोगों ने मेला घुमा है? दशहरा मैदान, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के सामने, BHL, दशहरा मैदान घुमा है? यस सर, घूम यस सर। वहां जाते हैं तो नेटवर्क इश्यूज आते हैं, आपको इंटरनेट चलता है क्या? सर चलता भी है, नहीं भी चलता है, मतलब हाँ, ये प्रॉब्लम है, मतलब इनकंसिस्टेंसी है। ओके, तो क्या होता है कि यही हमारा प्रॉब्लम है हैंड ओवर के अंदर, कि एक बहुत ज्यादा क्राउड सिंगल एरिया में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो टॉवर है उसमें बहुत ज्यादा रशेस आ जाते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड ज्यादा हो जाता है। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स जितने ज्यादा कनेक्ट हो, और हर एक टावर की एक बैंडविथ डिसाइडेड होती है, प्री डिफाइंड बैंडविथ डिसाइडेड होती है। तो नंबर ऑफ यूजर जितने ज्यादा बढ़ते हैं उतनी डिविडेंड उतना बढ़ते जाता है, तो उसकी वजह से स्पीड उतनी कम होती चली जाती है, और जितनी स्पीड कम होती चली जाती है उतना ज्यादा लोड पर यूजर कम होगी और उतनी ज्यादा लोड उस टावर पे बढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है कि बाय चांस अगर उसमें ज्यादा लोड आ रहा है तो हमें उस किसी भी तरीके उस टावर के लोड को बैलेंस करना है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी लॉस्ट ना हो, एटलीस्ट कम से कम चले, आपके सिग्नल्स की कनेक्टिविटी चले। अब आप ये देखोगे कि जब हम उस एरिया में बैठे थे, हमने प्रैक्टिकली फेस किया था वो प्रॉब्लम कि हम उस सिग्नल उस एरिया में रहते हैं तो हमारा सिग्नल्स ड्रॉप नहीं होते, टावर सिग्नल्स, कॉल सिग्नल्स, हमारी इंटरनेट की बैंडविड्थ कम हो जाती है या इंटरनेट नहीं चलता है कंपेरेटिवली कॉल। तो ये हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम था उस एंड का। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसिंग। तो उसने क्या करा कि जो आपके वॉइस सिग्नल्स है कंपेरेटिवली इंटरनेट सिग्नल्स को उसने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया मतलब लोड को हटा दिया, उसको वो क्या करेगा, कम प्रायोरिटी देगा कंपेरेटिवली कॉल सिग्नल्स की। तो कॉल ज्यादा आसानी से हो जाते हैं और इंटरनेट की स्पीड वहां पे वो कम कर देते हैं, इस वजह से कई बार चलता है कई बार नहीं चलता है। ये हमारी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ यूजर्स की वजह से। तो इसलिए टू रीजन टू यूज हैंड ओवर टेक्निक फॉर मेंटेनिंग सेम क्वांटिटी ऑफ रेडियो सिग्नल्स एट रिसीवर। दूसरा, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो भले ही देखेंगे हम बाद में, मगर लोड बैलेंसिंग क्यों करा हमने ये आपको समझ में आया। ओके, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, हैंड ओवर करता क्या है, स्मॉलर द सेल साइज फास्टर द मूवमेंट ऑफ मोबाइल स्टेशन। जितने ज्यादा स्मॉलर सेल साइज करेंगे उतने कम यूजर्स अपने पास रहेंगे, उतनी ज्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी।
बट उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया, उतने ज्यादा हैंड ओवर टेक्निक्स हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हैंड ओवर टेक्निक का एक डायग्राम है जो बना लें सभी लोग, दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, तब तक डायग्राम बनाएं सभी लोग।